हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी सीरीज। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बात करेंगे IBSEIU एग्जाम 2021 के रिजल्ट के बारे में। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सब जानते हैं कि हम इसके बारे में कल एक वीडियो अपलोड किया था, जिसके वजह से यहाँ पे बहुत से लोगों का यहाँ पे कमेंट आ रहा था कि सर मेरा यहाँ पे रोल नंबर नहीं है, मेरा यूजर आई डी पासवर्ड नहीं है, मैं कैसे चेक करूँ कि मेरा इस टीयर फर्स्ट में मेरा रिजल्ट हो पाया है कि नहीं हो पाया है, मेरा सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। तो जिन कैंडिडेट का यहाँ पे अपना रोल नंबर नहीं है, उनका यहाँ पे यूजर पासवर्ड नहीं है, तो वो अपना रिजल्ट कैसे चेक कर पाएंगे, हम इस वीडियो के माध्यम से मतलब कि सेटिस्फेक्शन सोल्यूशन देने वाला हूँ। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो पे लाइक कमेंट अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आप अपना यहाँ पे रिजल्ट कैसे देख पाएंगे कि आपका सिलेक्शन टीयर फर्स्ट में IBSEIU के एग्जाम यानी कि हुआ है, इसमें हुआ है कि नहीं हुआ है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको क्या करना है, जैसे कि मैं आपको बताया तो यहाँ पे एक PDF आपको डाउनलोड करना है। कैसे डाउनलोड करना है मैं यहाँ पे पिछली वाली वीडियो में बता दिया हूँ। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। या उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है, आप वहाँ से भी सीख सकते हैं। तो चलिए, जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर मैं PDF पहले से डाउनलोड कर रखा हूँ। जब इसके PDF के सबसे लास्ट वाले पेज में जाएंगे ना, 83 नंबर पेज पे, देखिए मैं यहाँ पे 83 नंबर पेज पे आ गया, ठीक है। चलिए देखते हैं 83 नंबर पेज पे यहाँ पे कुछ टर्म एंड कंडीशन यहाँ पे IBSEIU के एग्जाम वाले यहाँ पे जो भी यहाँ पे इसकी फैकल्टीज है यहाँ पे नोटिस दे रखी थी। तो आप अगर नोटिस को पढ़े होते फ्रेंड्स तो यहाँ पे कन्फ्यूजन आपको क्रिएट नहीं हुआ होता। देखिए सीधा सीधा लिखा है यहाँ पे कि कैंडिडेट्स वुड बी इंटीमेटेड अबाउट द डेट टाइम एंड वेन्यू ऑफ टीयर सेकेंड एग्जाम ड्यू टू कोर्स। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि ईमेल एंड मैसेज अलर्ट वुड बी सेंड टू द कैंडिडेट एट देयर रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर। देखिए जो भी स्टूडेंट यहाँ पे अपना फॉर्म फिलअप करने के समय वहाँ पे अपना ईमेल आईडी या जो भी यहाँ पे मोबाइल नंबर दिए होंगे, उनके मोबाइल नंबर पे या ईमेल आईडी पे यहाँ पे एक IBSEIU की फैकल्टी क्या करेगी, आपको यहाँ पे एक SMS भेज देगी, जैसे कि आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि आपको यहाँ पे एग्ज़ाम मतलब कि टीयर टू देना है कि नहीं देना है, ठीक है। मतलब जिन कैंडिडेट के यहाँ पे एंसर शीट यहाँ पे मतलब यहाँ पे मैं बता दूँ फ्रेंड्स की जिनका यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है उनका तो यहाँ पे लिस्ट में नाम आ गया है, लेकिन जिनको यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट है तो वो अपना मतलब कि ईमेल आईडी यहाँ पे और अपना फ़ोन नंबर मैसेज इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। ईमेल आईडी को चेक करना है, बार बार रिफ्रेश करना है, ठीक है। ये आपको काम हमेशा करना है, ठीक है, हर रोज़ करना है, क्योंकि IBSEIU एग्जाम वाले आपको मतलब कि कभी भी कर सकते हैं मेल, ठीक है। तो अगर देखिए टाइम को ध्यान में रखते हुए आपको यहाँ पे अगर आपको लग रहा है कि मेरा हो जाएगा तो इसके वजह से आपको टीयर सेकंड की तैयारी भी करनी है, प्रिपरेशन भी करनी है। तो उसके हिसाब से आपको क्या करना है, अपना ईमेल चेक करना है, फ़ोन नंबर का जो यहाँ पे फ़ोन नंबर दिए होंगे उसके यहाँ पे आपको SMS चेक करते रहना है, क्योंकि कभी भी ये मतलब कि आपको मैसेज के माध्यम से बताया जा सकता है कि आपके यहाँ पे टीयर फर्स्ट में सिलेक्शन हो चुका है। तो फ्रेंड्स यही थी आपके यहाँ पे जानकारी देने वाली बात। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले अपडेट में। अगली अपडेट पाने के लिए हमें आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ताकि ऐसे ही पल पल की अपडेटें आपको हमेशा मिलती रहे मुफ्त में, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।